We could see clearly now. We can stop. We could see clearly now. We could see clearly now. Okay, Pagali. पकड़ अबे पकड़ वीडियो पैड फुलाइंग का बहुत बेहद शौक था और घर वालों से डांट भी बहुत खाई, लेकिन फिर भी शौक तो शौक होता है। अब बच्चों का शौक था, मुझे भी बहुत शौक था। तो पेपर्स जैसे ही ख़त्म होते थे या पेपर से एक दिन पहले तक जो है ना, मैं पतंग ज़रूर उड़ाता था। कितने साल तक शौक था, मैंने बहुत पैसे लगाए, चरखियाँ ली, मांझे, सद्दियाँ, बहुत पतंग भी बड़ी से महंगी पतंग भी उड़ाई है। तो मुझे बेहद शौक़ था। तो आज मैंने देखा, बहुत टाइम हो गया, शौक़ तो कहिए ख़त्म हो चुका है मेरा, इतना शौक़ नहीं रहा ये वाला। तो मैंने आज देखा आसमान पर पतंग उड़ रही हैं, तो मैंने बोला कि पिछले साल की रखी होंगी, रखी तो गई हैं तकरीबन 8-10, लेकिन उसमें बहुत सारी पड़ गई जो बारिश हुई और उसमें बहुत सारी पड़ गई। तो एक थी जो थोड़ी बहुत सही है, ये वो है पतंग है, और ये थोड़ी सी इसमें मांझा बंधा हुआ सद्दी के अंदर, हालत तो देख लो अब कैसी हो रही है इसकी। तो कोशिश करते हैं इसको उड़ाने की, मोबाइल लगते हैं, कोशिश करते हैं उड़ाने की। अगर उड़ गई तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो देखते रहें व्लॉग को, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नए तो बेल आइकन को दबा दें। तो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग, तो आपको दिखाते हैं कि ये पतंग उड़ पाती है या फिर नहीं उड़ पाती। तो सीन ऐसा है कि भाई पतंग जो है वो थोड़ी सी फटी हुई थी, लेकिन हमने कोशिश करी, उड़ गई पतंग। चेक करो आप, पतंग उड़ चुकी है, थोड़े कन्ने ख़राब हैं इसके, लेकिन अपन हमारी कोशिश जो है वो कामयाब हो गई है और पतंग उड़ चुकी है। इतनी खुशी मुझे आज तो इसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने बोला दिखा दूं पहले, क्योंकि आगे चली जाएगी तो फिर नज़र कम आएगी। पतंग उड़ चुकी है आपके भाई की, फाइनली पतंग उड़ चुकी है, आगे देखते हैं। भाई हमने यहाँ पर चरखी बांध दी है ताकि मसला नहीं हो, बाकी एक हाथ से भी आपका भाई, क्योंकि प्रैक्टिस है, एक हाथ से उड़ा रहा हूँ। तो आगे लेके जाते हैं इसको, देखते हैं ज़रा कितने आसमान तक जा सकती। काले बादल भी आपने देख लिया कितना आए हैं, बाकी इसको आगे लेके जाते हैं पतंग को। तो देखते हैं कितना आगे जा सकती है। सही है, वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ, जब आगे चली जाएगी तो फिर मैं स्टार्ट करूँगा। तो जैसा आपको दिख रहा है कि पतंग जो है वो बढ़ चुकी है, लेकिन कन्ने सही नहीं है, तो ये घूमे जा रही है बहुत। हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, आपको मौसम दिख रहा होगा, काले बादल बहुत आए हुए हैं, और जो है वो हमारी पतंग भी जो है वो बढ़ चुकी है। अब कोई पेज वेज नहीं करे, क्योंकि मांझा इतना सा सद्दी हाथ में आपने जैसे दिख रहा है, और मांझा भी एक साल पुराना है जिसमें रद्दे पड़े हुए हैं, मतलब कि कच्चा हो रहा है बहुत। अगर सर्दी भी आएगी ना कोई, तो इस मांझे को काट देगी, ये हालत है मेरे मांझे की। क्योंकि मांझा वांझा लिया नहीं है भाई, मैंने बोला आज पतंग उड़ाते हैं, इसका व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे बचपन का शौक़ था जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। मैंने बचपन में बहुत पतंग उड़ाई है, बहुत, मैं नहीं समझता कितने किसी ने भी उड़ाई होगी, इतनी मैंने उड़ाई है। पेपर हो कुछ भी हो, एक घंटा शाम में पतंग के लिए निकालना होता था ज़रूरी। उस टाइम में मैं चरखियाँ लिए इतनी कि मैं क्या बताऊँ मैं आपको। ये कट के जा रही है, मैंने तो नहीं काटी, मुझसे कोई पेज भी नहीं करे भाई, ये गुड्डा है, मुझसे पेज वेज कोई नहीं करे, ये मेरे पास सद्दी है भाई खाली, बचाने की कोशिश करेंगे, कोई भी पेज नहीं करे, और हम इसको उड़ाते रहें और व्लॉग बनाते रहें। तो बस देखिए हमारा शौक, अगर किसी ने ऐसा शौक किया है बचपन में तो कमेंट में ज़रूर बता दिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे देखते हैं कि आगे कितने और आगे बढ़ाएंगे, अगर ये गुड्डा जो ऊपर है ये पेज नहीं करे हमसे तो उसको आगे बढ़ाएंगे। सही है भाई, देखते रहें व्लॉग को और मिस नहीं करिएगा। बाकी जो और भी व्लॉग्स हैं आपसे मैं यही मेहरबानी करता हूँ, व्यूज़ जो हैं अच्छा आ जाते हैं, लेकिन उतने लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो उतने नहीं होते। तो मेहरबानी करके जितने व्यूज़ आते हैं एक लाइक के बटन पर दबा दे करें, एक सेकंड लगता है, ज़्यादा देर नहीं लगती, और सब्सक्राइब भी कर दिए करें चैनल को अगर
पर नहीं हुए तो खैर भी कर दिया करें, इसमें भी आपको देर लगेगी, एक सेकंड लगेगा, बेल आइकन को दबा दिया करें ताकि आपके पास नई जब भी नई स्टेशन नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो बस आगे देखते हैं, ये बताएंगे। और ये बहुत कोशिश कर रहा है मेरे उससे लड़वाने की, और मैं एक हाथ से जो है ब्लॉग बना रहा हूँ और एक हाथ से पतंग उड़ा रहा हूँ। बस अगर मेरे पास मान जा होता ना तो मैं आपको लड़वा के दिखाता इससे। मुझे अभी तो पता है कि मेरी कड़ी आएगी अगर ये पतंग कड़ी आएगी, अगर जो है वो इससे मैंने पेच कर लिया, क्योंकि मेरे पास जो है वो मांझा नहीं है, इसलिए मैं नीचे नीचे रखा हुआ हूँ और मैं पेच नहीं कर रहा किसी से भी। तो आगे वीडियो को देखें, देखते रहें ब्लॉग। भाई पेश कर रहा है ये ऊपर दिखा, पेश कर रहा है गुप्ता जो है हमसे पेश करना चाह रहा है, लेकिन मैं जो है पेश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो सब्जी है खाली, मांझा मांझा है नहीं, मांझा होता तो पेश कर लेता। अब मैं एक ट्राई करता हूँ, मेरे पास नीचे रखा हुआ है केमिकल, इस पतंग को उतारते हैं, केमिकल बांधते हैं इसमें, फिर पेश करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको उतारता हूँ, हमने जो है वो केमिकल के गिट्टी जो है मेरे पास नीचे रखी हुई थी, मुझे याद नहीं था, याद आई है केमिकल की गिट्टी ले ली है। आप कोई भी पेज करने आएगा तो पेज करने के काबिल है, क्योंकि हमारे पास पूरी की पूरी केमिकल ही गिट्टी है और पतंग भी जो है बढ़ चुकी है, पतंग बढ़ चुकी है हमारे पास, जो देख लो आप, और केमिकल गिट्टी हमारे पास आ चुकी है। आप कोई भी पेज करना आएगा तो हम इस काबिल हैं कि हम पेज कर सकते हैं उससे आसानी से। तो देखते हैं कोई पेज करना आता है तो आपको भी दिखाएंगे, और पेज करने के बाद भी दिखाएंगे कि हम काट पाते हैं या फिर नहीं काट पाते। ये भी 4 साल पुरानी गिट्टी है, लेकिन ये है कि पेच करने के काबिल है, फिर देखते हैं कुछ पतंग आती पेच करने के लिए तो आपको दिखाता है जरूर। रोको आएंगे भाई आगे पूछे गाँव कई जो है हमारे इससे, तो देखते हैं पेज होते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, और काटते हैं नहीं, किसकी कटती है किसकी नहीं कटती, देखते हैं लोग, देखते हैं लोग को। We could see clearly this time. We could see clearly now. We could see clearly now. देखते हैं आप पेज होते हैं, ये पेज कर रहा है ब्लैक वाला जो है ना, ये ब्लैक वाला ऊपर ये पेज कर ना रहा नीचे, लेकिन इसकी भी टेक्निक है, टेक्निक ये है कि जब आप केमिकल से लड़ाओ ना तो हमेशा, अगर आपको पता है कि केमिकल वालों को पता है, हमेशा ऊपर से डालनी चाहिए ढील छोड़ने के लिए, हमेशा ढील छोड़ने के लिए पतंग को ऊपर से डालो ताकि ढील अच्छी टूटे। और नीचे से अगर आपके पास मांझा है और खेच वाली है तो फिर नीचे से खेच मारनी चाहिए, ये इसकी एक ट्रिक है, पतंग वालों को पता होगा, इसको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक है। ये मेरे ऊपर से डाल रहा है, इसके बाद भी केमिकल छोड़ा रहा है, ये भी जो ऊपर उड़े केमिकल से उड़ी है, तो बहुत कोशिश कर रहा है कि मेरे ऊपर से रखे ताकि मेरी कड़ी आए, लेकिन मैंने इसको ट्रैफिंग नहीं दे रहा हूँ, बाकी आप देखते रहे आगे देखते। हमने केमिकल ले लिया तो आवाज़ ही नहीं आ रही है, बहुत कोशिश भाई केमिकल में, ये भी वो है जो है ना उलझता बहुत है, ये जो है ना उलझता बहुत है केमिकल, बहुत उलझता है, आप छोड़ो मेरे गोल गोल ये बनने लग जाते हैं, केमिकल बहुत उलझता है। जब आपकी पतंग कटी आए तो ये भाई बहुत चांस होते हैं कि जो है वो ये जो है वो
उलझ जाए और फिर सुलझता नहीं है, फिर छोड़नी पड़ती है, और जब डिजाइन मानता तो फिर ख़राब हो जाता है। केमिकल में भी एक फॉल्ट है, इसलिए मैं केमिकल उड़ाता नहीं। बहुत पुराना 4 साल पहले का रखा हुआ है, तो हमारे पास पता ही नहीं है कि थी मांजा था नहीं, हमने वो लेते उड़ा लेते हैं। आज क्या करें, अगर पेज काट दे तो कट जाएगी, काट देंगे। वैसे पूरी कोशिश है कि पेज काटें, बाकी कोई पेज करना आता है तो दिखाते हैं आपको। पकड़ ली, पकड़ ली, अबे पकड़, वीडियो वीडियो वीडियो। तो सीन ऐसा है कि भाई हमने एक पतंग पकड़ ली है जो ऊपर उड़ रही थी, इसकी कटी तो भाई ने पकड़ ली है। इसकी बहुत सारा जो है वो उसकी बहुत सारा केमिकल इसमें आ चुका है, देखो। इतनी खुशी तो ये नीचे पड़ा हुआ बहुत सारा केमिकल, और ये पतंग जो हमने पकड़ी है, दो दो पतंग हो गई, 102 पतंग ऐसे करते हैं भाई। हम लोग छत पे थे इत्तेफाक से, तो आज जो है वो एक पतंग भी पकड़ ली आपको, मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। हमने पतंग भी पकड़ ली है, ऐसे पहले हम बहुत करते थे, लेकिन आज जो है बहुत दिनों बाद ऐसा हो चुका है। पहले मैंने सोचा कि लिपटा लूं उसको, लेकिन फिर देखा कि डोर यहीं से बराबर से जा रही है, तो भाई ने पकड़ ली। तो भाई एक पतंग से दो पतंग हमारे पास हो चुकी है, चेक करो आप। अब भाई भी उड़ा रहा है और मैं भी उड़ा रहा हूँ, मैं भी उड़ा रहा हूँ और भाई भी उड़ा रहा है। दो पतंग हो चुकी है हमारे पास, चेक करो अब, मेरी दोनों दो पतंग हमारे पास हो चुकी है। तो हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, और पतंग जो है हवा नहीं लग रही है, और उतरने के काबिल हो गई है अभी। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, बाकी देखते हैं आगे क्या सीन होता है। अगर हवा नहीं चली तो उतार लेंगे, नीचे चले जाएंगे, अगर चल गई तो फिर पेज करेंगे आगे, देखते रहे ब्लॉग। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि जब पतंग उतारो या फिर कड़ी आती है तो केमिकल जो है वो उलझ जाता है, यही सीन हुआ है हमारे साथ। सारा केमिकल जो है वो उलझ चुका है, ये सारा केमिकल जो है वो उलझ चुका है, और ये हमने फिर क्या करें, फाइनली तोड़ना पड़ा, केमिकल को तोड़ लिया है, क्योंकि दो पतंग हो गई थी तो हमने बोला एक उतार लेते हैं। जैसे मैंने उतारा तो केमिकल हमारा उलझ गया, ये पतंग उड़ रही है, बहुत सारी ढील आई इसकी, ये पड़ी हुई सारे ढील पड़ी हुई है इसकी, ये इसको हम सद्दी के साथ बांधेंगे अभी। तो बस कोई किसी ने पेच तो किए नहीं हमसे, हमारे पास एक एक्स्ट्रा पतंग आ गई, एक्स्ट्रा काइट आ गई, तो बस इसको भी उतार रही, क्योंकि हवा बिल्कुल भी चली है, ऐसा आपको दिख रहा है। सब ने पतंग उतार ली, किसी की भी देखो पतंग ऊपर नहीं जा रही है, हवा नहीं चल रही, क्योंकि ये सब ने पतंग जो बच्चों की भी पतंग जो है वो उड़ नहीं रही है बिल्कुल, क्योंकि हवा नहीं चल रही है बिल्कुल भी। तो अभी हम भी वह पतंग उतार लेंगे अपनी। बस यहीं अपने व्लॉग को हम एंड करेंगे, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, यहीं अपनी वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।